दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलने के लिए लोगों को आना जाना यूं तो बेहद सामान्य है और किसी भी दूसरे अस्पताल की तरह ही यहां भी हर दिन इस तरह के दृश्य दिखते हैं। लेकिन आज हुए एक मिलाप ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। पिछले चार दिनों से अस्पताल में भर्ती आजम खान से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुँचे तो दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। गिले शिकवे दूर हुए या नहीं, ये तो आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों नेता जब आमने सामने आए तो पुराने रिश्तों की गर्माहट से रिश्तों पर जमी बर्फ जरूर पिघली है। हाल ही में सपा के समर्थन से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए गए पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को इस मिलाप का सूत्रधार बताया जा रहा है। कपिल सिब्बल अखिलेश और आजम दोनों से ही बेहद करीबी हैं और ऐसे में उन्होंने दोनों दिलों के बीच आई दूरी को पाटने में पुल का काम किया है। सिब्बल ने ही कानूनी लड़ाई के जरिए आजम खान को सीतापुर जेल से बाहर आने में कामयाबी दिलाई है। वहीं अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजने का ऐलान करके बड़ा दांव चल दिया था। माना जा रहा है कि आजम खान को मनाकर कपिल सिब्बल ने अखिलेश को रिटर्न गिफ्ट दिया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजरें आजम अखिलेश की मुलाकात पर टिकी हैं, तो यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के जहन में शिवपाल यादव भी कोंध रहे हैं। माना जा रहा है कि आजम और अखिलेश यादव के बीच अगर दूरी मिट जाती है तो ये शिवपाल यादव के लिए बड़ा झटका होगा, जो दिग्गज मुस्लिम नेता के साथ मिलकर सपा का MY समीकरण बिगाड़ने की तैयारी में जुटे हैं। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे शिवपाल ने पिछले दिनों जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात की थी। तब से ही दोनों नेताओं के साथ आने की अटकलें लग रही हैं। आपको बता दें कि आजम खान के जेल से बाहर आए 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अखिलेश यादव उनके लिए समय नहीं निकाल पाए थे। आजम कैंप की ओर से खुलकर नाराजगी जाहिर किए जाने के अखिलेश यादव के रुख से मुतमईन है। अखिलेश यादव के रुख से मुतमईन है। बावजूद सपा अध्यक्ष मान मनोवल के लिए जल्दबाजी में नहीं दिखे। अब उनके दिल्ली जाकर आजम से मुलाकात के पीछे उपचुनाव के दबाव को भी वजह माना जा रहा है। यूपी में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ये दोनों सीटें अखिलेश और आजम खान ने खाली की हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो दोनों सीटों को कायम रखना सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। अखिलेश अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों ही सीटों पर आजम खान की मजबूत पकड़ है और अगर वो नाराज रहे तो सपा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मोटे तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से आजम और अखिलेश यादव के बीच ये मुलाकात हुई है, इससे शिवपाल यादव का गेम प्लान जरूर बिगड़ जाएगा और पूरा का पूरा सीन ही बदल जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में आजम खान और अखिलेश यादव अपनी इस मुलाकात पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और इनकी प्रतिक्रिया के बाद शिवपाल यादव क्या रिएक्शन देते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।